हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो क्रोम के बारे में, एंड अगेन दिस इज़ आल्सो फ्रॉम दी सेंसरी फोटो बायोलॉजी। ओके, ये भी आपके सेंसरी फोटो बायोलॉजी का ही पोर्शन है, जिसमें कि हम रिसेप्टर नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, मेनली क्रिप्टो क्रोम के बारे में। तो इनिशियली हमने आई थिंक प्रीवियस वाले वीडियो में ये बात की थी कि ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं, फार रेड लाइट एंड रेड लाइट फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो रेड लाइट एंड फार रेड लाइट फोटो रिसेप्टर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ अ फाइटोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम के बारे में, दैट इज क्रिप्टोक्रोम इज अ टाइप ऑफ अ ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर। ठीक है, तो ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर को इतना समझने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज ये बहुत से अपने रोल्स प्ले करता है, जैसे कि हो गया सीडलिंग के हाइपोकोटाइल को, हाइपोकोटाइल के इलांगेशन को इनहिबिट करना है। जैसे PFR सीडलिंग के हाइपोकोटाइल के ग्रोथ को, ऑब्लिक इलांगेशन को इनहिबिट कर रहा था, सिमिलरली क्रिप्टोक्रोम का भी सेम काम होता है, ऑब्लिक आप कह सकते हो ब्लू लाइट का भी सेम काम होता है। तो ये इनहिबिट करने का मतलब ये नहीं होता, आप ये ना समझे कि हाँ नॉर्मल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। एक्यूरेट लेंथ को बनाने के लिए, दैट इज एक्सेस हाइपोकोटाइल के लेंथ को इनहिबिट किया जाता है, ताकि एकदम एक्यूरेट ग्रोथ हो उस प्लांट की। इसके अलावा क्लोरोफिल के स्टिमुलेशन में एज वेल एज कैरोटीनॉइड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन को इन्हांस करता है ब्लू लाइट, फोटोब्लास्टी, फोटोट्रोपिज्म एंड फोटोमॉर्फोजेनेसिस टाइप के पूरे दैट इज प्रोसेस को रेगुलेट करता है, स्टोमेटल ओपनिंग करवाता है एंड क्लोरोप्लास्ट का भी मूवमेंट करवाता है। तो क्रिप्टोक्रोम की थोड़ी सी हम देख लेते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, कि क्रिप्टोक्रोम है क्या और काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्रिप्टोक्रोम ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर है। ठीक है, इट इज़ अ ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर। फ्लेवो प्रोटीन होता है ये, क्योंकि इसमें फ्लेविन जो है इसके साथ कनेक्शन में रहते हैं। फ्लेविन एक्चुअल में आप कह सकते हो कि दे आर समहाउ एक्टिंग एज अ क्रोमोफोर, तो फ्लेविन से ये प्रोटीन जुड़ा रहता है, दैट इज़ वाई इसको हम फ्लेवो प्रोटीन कहते हैं। क्रोमोफोर क्रिप्टोक्रोम में क्या पाया जाता है? दैट इज़ इट मे बी फ्लेविन, इट मे बी टेरिन। ठीक है, तो क्रोमोफोर या तो फ्लेविन हो सकते हैं या फिर टेरिन हो सकते हैं। अक्रेंस की बात करें कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म में ये देखा जाता है, तो ये साइनोबैक्टीरिया में, फर्न्स, एल्गी, फ्रूट फ्लाई, माइस, इनफैक्ट ह्यूमंस में भी पाया जाता है, दैट इज क्रिप्टोक्रोम। इसकी एक बहुत ही यूनिक सी प्रॉपर्टी है कि इसकी सीक्वेंस होमोलॉजी जो है फोटोलाइज एंजाइम के साथ मैच होती है। अब ये फोटोलाइज एंजाइम क्या होता है? फोटोलाइज एंजाइम मेनली पिरिमिडिन डाइमर नाम का जो एक रिपेयर होता है उसे करता है, और ये फोटोलाइज एंजाइम के पास एक्चुअल में डीएनए रिपेयरिंग एक्टिविटी होती है, और ब्लू लाइट में ये एक्टिवेट होता है। तो देखा ये गया कि जब क्रिप्टोक्रोम की डिस्कवरी हुई तो इसका भी सीक्वेंस इस फोटोलाइज एंजाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा था, तो इसको बोल दिया गया कि यस, क्रिप्टोक्रोम की सीक्वेंस होमोलॉजी फोटोलाइज जैसी है, लेकिन क्रिप्टोक्रोम का कोई भी रोल डीएनए रिपेयर एक्टिविटी में नहीं पाया जाता है। इसकी सिर्फ सीक्वेंस की मैचिंग है। क्रिप्टोक्रोम का सीक्वेंस फोटोलाइज के सीक्वेंस से काफ़ी मैच करता है, लेकिन क्रिप्टोक्रोम फोटोलाइज एंजाइम जैसा कोई भी डीएनए रिपेयर एक्टिविटी नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन हम ये मानते हैं कि यस, क्रिप्टोक्रोम का शायद इवोल्यूशन जो है फोटोलाइज एंजाइम से हुआ हो सकता है, ऐसा माना जा रहा था, मतलब माना जाता है। ठीक है, सो क्रिप्टोक्रोम रिसेप्टर जो है एक्चुअल में न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, और ये भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाता है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टोक्रोम की डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी जो है HY4 म्यूटेंट के नाम से हुई थी, मतलब Arabidopsis का एक प्लांट जिसको कि हमने नाम दे दिया HY4 म्यूटेंट। और इस म्यूटेंट की खासियत क्या थी कि ये ब्लू लाइट को, दैट इज़ ब्लू लाइट को लेने के बाद आप ये कह सकते हो कि ब्लू लाइट से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स था इस पर्टिकुलर प्लांट में वो एब्सेंट था। मेनली ब्लू लाइट मीडिएटेड हाइपोकोटाइल का इलांगेशन का जो इनहिबिशन होता है वो एब्सेंट था, मतलब इसका हाइपोकोटाइल का इलांगेशन रुक नहीं रहा था, इनहिबिट नहीं हो रहा था। जबकि अभी हमने पढ़ा कि ब्लू लाइट का काम होता है दैट इज हाइपोकोटाइल के लेंथ को इनहिबिट करना, लेकिन इस म्यूटेंट में ब्लू लाइट को रिसीव करने के बाद भी दैट इज हाइपोकोटाइल का इलांगेशन रुका नहीं। बाद में इस HY4 म्यूटेंट में से HY4 प्रोटीन देखा गया, और ये देखा गया कि यही HY4 दैट इज प्रोटीन में डिफेक्ट होने के कारण ये HY4 म्यूटेंट नाम का प्लांट जो है दैट इज ब्लू लाइट के लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। बाद में इस HY4 प्रोटीन को आइसोलेट किया गया, और बाद में इसको नाम दे दिया गया क्रिप्टोक्रोम 1 / CRY1,
और इसका मेन काम होता है स्टेम के इलोंगेशन को इनहिबिट करना, ताकि एक प्लांट में प्रॉपर स्टेम का इलोंगेशन हो, ज़्यादा भी नहीं हो कम भी नहीं हो, एकदम एक्यूरेट हो। फिर आती है इसके स्ट्रक्चर की बात, तो क्रोमोफोर जो होता है दैट इज क्रिप्टोक्रोम है, जिससे अभी बात किया मैंने, ये फ्लेविन हो सकता है या फिर टेरिन हो सकता है। फ्लेविन जो होते हैं, थ्री कॉमन फ्लेविन आर राइबोफ्लेविन एंड इट्स डेरिवेटिव दैट इज FMN एंड FAD। तो फ्लेविन जो है तीन टाइप के हो सकते हैं, FMN एंड FAD एज वेल एज राइबोफ्लेविन। फ्लेविन को जब प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स किया जाता है तो हम उसे फ्लेवोप्रोटीन कहते हैं, इसलिए हमने क्रिप्टोक्रोम को भी फ्लेवोप्रोटीन कहा है। इनफैक्ट जो फोटोट्रोपिन हम पढ़ेंगे वो भी एक टाइप का फ्लेवोप्रोटीन ही माना जाता है। जो यहाँ पे क्रिप्टोक्रोम होता है वो FAD एंड MTHF जो कि एक टाइप का टेरिन है, ठीक है, FAD एंड MTHF से बाइंड करके रखता है, और ये दोनों दैट इज FAD एंड MTHF जो है दैट इज दे यूज टू एक्ट लाइक अ क्रोमोफोर, यानी ये लाइट को रिसीव करते हैं। जैसे कि आपके सामने क्रिप्टोक्रोम 1 एंड क्रिप्टोक्रोम 3 का यहाँ पे फिगर लाइक दिख रहा है आपको। साथ ही साथ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिप्टोक्रोम भी डाइमर होता है। अभी हमने फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ा है, तो फाइटोक्रोम भी डाइमर होते हैं, क्रिप्टोक्रोम भी डाइमर होता है। क्रिप्टोक्रोम के पास आप देख सकते हैं एक ये पर्टिकुलर एंड टर्मिनल पे एक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं फोटो होमोलॉजी रीजन, जिसे PHR भी कह सकते हैं आप, ठीक है, शॉर्टकट में। तो फोटो होमोलॉजी रीजन होता है, इसी के पास बाइंडिंग साइट होता है FAD के लिए एंड MTHF के लिए, और इसके पास सी टर्मिनल में डैश डोमेन होता है, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो क्रिप्टोक्रोम का जो सी टर्मिनल होता है उसे हम CCT कहते हैं, दैट इज क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल एरिया, ठीक है, क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल डोमेन या सी टर्मिनल रीजन हम कह सकते हैं, उसी को हम शॉर्टकट में CCT कहते हैं। तो Arabidopsis में जो क्रिप्टोक्रोम 1 पाया जाता है उसमें फोटोलाइज एरिया होता है एन टर्मिनल पे, MTHF बाइंडिंग एरिया होता है, FAD बाइंडिंग एरिया होता है, साथ साथ में CCT भी होता है। सिमिलरली एक और क्रिप्टोक्रोम पाया जाता है दैट इज क्रिप्टोक्रोम 3, इसके पास भी फोटोलाइज एरिया है, MTHF और FAD बाइंडिंग एरिया भी है, लेकिन इसके पास सी टर्मिनल रीजन नहीं पाया जाता है। तो ये बात हो गई दैट इज स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पे क्रिप्टोक्रोम 1 क्रिप्टोक्रोम 3 आपको दिख रहा है क्योंकि एक्चुअल में क्रिप्टोक्रोम के बहुत से टाइप होते हैं। जैसे कि अगर हम जीन की बात करें यहाँ पे, अगर हम जीन की बात करें क्रिप्टोक्रोम के जीन की, तो तीन टाइप के जीन पाए जाते हैं, दैट इज CRY1, CRY2 एंड CRY3। इसी को हम क्रिप्टोक्रोम 1, क्रिप्टोक्रोम 2 एंड क्रिप्टोक्रोम 3 कहते हैं। आज ही पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पाए जाते हैं। सो अगर हम प्रॉपर तरीके से कहें कि ये काम कैसे कर रहे हैं, तो देखिए क्रिप्टोक्रोम के पास दो डोमेन है, ऑल्दो क्रिप्टोक्रोम खुद भी एक डाइमरिक प्रोटीन है, दो डोमेन है, एक है एन टर्मिनल एरिया, एक है सी टर्मिनल एरिया। एन टर्मिनल एरिया को हम PHR डोमेन कहते हैं, दैट इज फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन हो गया। इस पर्टिकुलर डोमेन में, इसी पर्टिकुलर डोमेन को हम फोटोसेंसरी डोमेन भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पे क्रोमोफोर प्रेजेंट है जिसका नाम है फ्लेविन एंड टेरिन। ये क्रोमोफोर क्या करते हैं, लाइट को सेंस करने का काम करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। ये तो हो गई एन टर्मिनल की बात। सी टर्मिनल की बात करें तो सी टर्मिनल को हम कहते हैं दैट इज CCT, क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल डोमेन ऑब्लिक एरिया। ये मेनली क्या करता है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज से मेनली इंटरेक्ट करता है, और हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि E3 यूबिक्विटिन लाइगेज के काम क्या होता है। E3 यूबिक्विटिन लाइगेज एक्चुअल में अपने टारगेट प्रोटीन पे छोटे छोटे से यूबिक्विटिन नाम के प्रोटीन को ऐड करके उनका डिग्रेडेशन करवा देते हैं 26S प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन मशीनरी से। सिमिलरली यहाँ भी जो है COP1 काम करता है जैसा फाइटोक्रोम में काम कर रहा था। अब आती है बात दैट इज जीन्स की, कि जीन्स यहाँ पे काम कैसे करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया क्रिप्टोक्रोम के टोटल तीन जीन हैं, क्रिप्टोक्रोम 1, क्रिप्टोक्रोम 2 एंड क्रिप्टोक्रोम 3, ठीक है। मेनली जो क्रिप्टोक्रोम 2 है ये डिग्रेड हो सकता है दैट इज अंडर द ब्लू लाइट, यानी आप कह सकते हो क्रिप्टोक्रोम 2 इट इज अ लाइट सेंसिटिव, ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है। ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ अ ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर, बट डिस्पाइट ऑफ दैट CRY2 को देखा गया है कि ये ब्लू लाइट की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है, मतलब इट इज नॉट स्टेबल। तो यानी अगर हम अपने पूरे क्रिप्टोक्रोम की बात करें तो CRY2 तो शायद प्रॉपरली काम नहीं करेगा अगर प्लांट में क्रिप्टोक्रोम मीडिएटेड अगर किसी भी टाइप का एक्टिविटी देखी जा रही है। तो फिर आता है CRY1, CRY1 यानी क्रिप्टोक्रोम 1, इट इज मोर स्टेबल इन ब्लू लाइट, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ब्लू लाइट में,
और इसी की एक्टिविटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, हायर एक्टिविटी इसकी प्लांट में देखने को मिलती है। इसके अलावा देखा गया है कि क्रिप्टोक्रोम और कुछ परसेंटेज में क्रिप्टोक्रोम 2, ये दोनों मिलके साइकार्डियन क्लॉक को भी रेगुलेट करते हैं अरेबिडोप्सिस में। और इसके अलावा क्रिप्टोक्रोम 2 की बात करें तो ये फ्लावरिंग को इंड्यूस कर सकता है प्लांट में, यानी फ्लावरिंग करवा सकता है। साइकार्डियन रिदम का मतलब होता है स्लीप एंड वेक साइकिल, जिसे हम बायोलॉजिकल रिदम या बायोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। दैट इज व्हाट द साइकार्डियन रिदम या फिर साइकार्डियन क्लॉक को रेगुलेट करता है मेजर तरीके से क्राई 1 एज वेल एज लेसर एक्सटेंट में क्राई 2। लेकिन कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जो एक बड़ी सी फैमिली है जो सिर्फ और सिर्फ साइकार्डियन क्लॉक को रेगुलेट करती है, उसका नाम है जेट लूप फैमिली। उसके बाद सेकेंडरी तौर पे क्रिप्टोक्रोम हेल्प करता है साइकार्डियन रिदम को रेगुलेट करने में। अगर लोकेशन की बात करते हैं तो क्राई 1 एंड क्राई 2 ये दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जबकि क्रिप्टोक्रोम 3 या तो क्लोरोप्लास्ट में या तो माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड होता है। इनफैक्ट ये तक देखा गया है कि क्रिप्टोक्रोम 3 का उतना ज़्यादा अभी तक फंक्शनिंग वेल नोन नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि शायद क्रिप्टोक्रोम 3 का कोई एक ऐसा एक्शन हो सकता है जो कि डीएनए रिपेयर एक्टिविटी रखता हो। नॉर्मली देखा जाए तो क्रिप्टोक्रोम को साफ साफ मना कर दिया गया था कि इसके पास कोई भी डीएनए रिपेयर एक्टिविटी नहीं है, जैसे कि क्रिप्टोक्रोम 1 एंड 2 का कुछ भी लेना देना नहीं है दैट इज डीएनए रिपेयर एक्टिविटी से। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि शायद क्रिप्टोक्रोम 3 के पास डीएनए रिपेयर एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि इसके पास सीसीटी डोमेन नहीं है, राइट? अगर आप पिक्चर देखेंगे आई थिंक अब ये और अच्छे से क्लियर होगा। देख सकते हैं क्रिप्टोक्रोम 3 के पास सीसीटी डोमेन नहीं है, और अगर सीसीटी डोमेन की बात करें तो इसके इंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, इंट्रैक्शन की वजह से जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलता है प्लांट में, रादर टू से फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर क्रिप्टोक्रोम 3 के पास यहाँ पे दैट इज सीसीटी ही नहीं है तो वेरी ऑब्वियस ये नॉर्मल काम कैसे करेगा। दैट इज वाई देखा गया है कि ये क्रिप्टोक्रोम 1 और 2 से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ऑल्दो इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है, उतनी ज्यादा वेल नोन फंक्शनिंग इसकी पता नहीं चल सकी है, लेकिन साइंटिस्ट का डाउट है कि शायद इसका डीएनए रिपेयर एक्टिविटी में कुछ रोल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये चीज़ें प्रूवन नहीं हुई हैं। तो आपको जो मेजर तरीके से फोकस करना है कि कितने टाइप का क्रिप्टोक्रोम है, जैसे फाइटोक्रोम में हमने 5 जीन देखा था, क्रिप्टोक्रोम में टोटल 3 जीन है। लोकेशन याद रखिएगा बिकॉज इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रिप्टोक्रोम 1 और 2 दोनों का लोकेशन न्यूक्लियस है, 3 का लोकेशन क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं ये। अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन कैसे चलता है जरा सा देख लेते हैं। सबसे पहले यहां भी वही कहानी चलती है, दैट इज डार्क एंड लाइट का, ठीक है। देखिए जरा, जब ये नाइट कंडीशन है, यहां पे आपको दिख रहा है मून, ये रहा नाइट कंडीशन। नाइट कंडीशन में क्या देखने को मिलता है कि SPA1 एंड COP1 ये दोनों मिलके HY5 नाम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे, ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे से यूबीक्यूटिन प्रोटीन को ऐड कर दे रहे हैं। ये रहे यूबीक्यूटिन प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे ऐड हो जाते हैं तब ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक हो जाते हैं फॉर द डीग्रेडेशन थ्रू द 26S प्रोटीजोमल डीग्रेडेशन मशीनरी। 26S प्रोटीजोमल डीग्रेडेशन मशीनरी एक ऐसी मशीनरी होती है जो ऐसे प्रोटीन को पहचानती है जिसके सरफेस पे यूबीक्यूटिन नाम के प्रोटीन को टैग कर दिया गया हो, जोड़ दिया गया हो। और कॉप वन का काम होता है अपने टारगेट प्रोटीन पे छोटे छोटे से यूबीक्यूटिन प्रोटीन को टैग कर देना। तो वेरी ऑब्वियस, जब HY5 के सरफेस पे यूबीक्यूटिन टैग्स ऐड हो चुके हैं तो 26S प्रोटियोसोमल मशीनरी इसको पहचानेगी और इसका डिग्रेडेशन कर देगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब HY5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का डिग्रेडेशन हो गया तो फिर ट्रांसक्रिप्शन कौन करेगा, कोई नहीं। और ऐसा क्यों हुआ, देखिए जरा, नाइट के टाइम में ब्लू लाइट एब्सेंट होती है, राइट? नो ब्लू लाइट। और हम बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज क्रिप्टोक्रोम की। क्रिप्टोक्रोम में भी दो मेजर काम करने वाले क्रिप्टोक्रोम कौन से हैं, 1 और 2। उनका लोकेशन क्या है, न्यूक्लियस, अभी हमने पढ़ा था। तो देखिए, क्राई 1 को हम मेनली एक्टिव मानते हैं क्योंकि आपने देखा क्राई 2 जो है ब्लू लाइट की प्रेजेंस में इट इज वेरी लेस स्टेबल, आप कह सकते हो, या सेंसिटिव है,
वो काम नहीं कर पाएगा। तो अब बच जाता है सिर्फ एक ही हीरो, दैट इज दी अपना क्राइवन। तो क्राइवन के पास आप देख सकते हैं दिस इज अ एन टर्मिनल, दिस इज अ सी टर्मिनल, जिसे हम सीसीटी कह रहे हैं। तो ये क्राइवन को रात के टाइम में आज बिकॉज ब्लू लाइट नहीं मिली है, तो ये ब्लू लाइट नहीं मिली है जिसकी वजह से ये इनएक्टिव रह जाएगा। अब इनएक्टिव रह जाएगा तो कोई काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये जो E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज और SPA1 जो है ये दोनों मिलके HY5 का डिग्रेडेशन करवा देंगे। डिग्रेडेशन हो गया, नो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो फोटोमॉर्फोजेनेसिस, राइट। सीधी सी भाषा में कहें तो नो फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि जब लाइट प्रेजेंट है, ये दिन के टाइम की बात हो रही है, जब लाइट प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंट है मतलब ब्लू लाइट प्रेजेंट है। अब जब ब्लू लाइट प्रेजेंट है तो क्या होगा, देखिए ब्लू लाइट आई, ठीक है, ब्लू लाइट आई, ब्लू लाइट जैसे ब्लू लाइट एज बिकॉज क्रिप्टोक्रोम एक ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर है, तो ये इसने ब्लू लाइट को रिसीव कर लिया। ब्लू लाइट को रिसीव करने के बाद इसके सी टर्मिनल पे ब्लू लाइट मीडिएटेड फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, मतलब फॉस्फेट का एडिशन, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, दिस इज अ ब्लू लाइट मीडिएटेड फॉस्फोराइलेशन, मैं यहां पे लिख देती हूं ब्लू लाइट मीडिएटेड फॉस्फोराइलेशन। तो सीसीटी पे जब फॉस्फोराइलेशन होता है, जो कि ब्लू लाइट के प्रेजेंस की वजह से हुआ है, ठीक है, तो ब्लू लाइट कंपल्सरी है यहां पे प्रेजेंट रहना। तो सीसीटी पे जब फॉस्फेट का एडिशन होता है तो सीसीटी की ससेप्टेबिलिटी SPA1 एंड COP1 के साथ बाइंड करने की बढ़ जाती है। तो सीसीटी क्या करता है, दैट इज क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल रीजन, ये क्या करता है, SPA1 एंड COP1 दोनों के साथ मिलकर बाइंड हो जाता है, यानी इंटरैक्ट करने लगता है। जब COP1 और SPA1 सीसीटी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता है, HY5 को फ्री करना पड़ता है, क्योंकि एक ढंग से सीसीटी ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है कि भाई तुम अब HY5 के साथ बाइंड नहीं कर सकते हो। तो सीसीटी क्या होता है, सीसीटी एक्टिव हो गया, सीसीटी एक्टिव ऑब्लिक फ्री हो गया, और आप सॉरी HY5 जो है यहाँ पे फ्री हो गया क्योंकि सीसीटी ने SPA1 एंड COP1 से बाइंड कर लिया, HY5 यहाँ फ्री हो गया। अब HY5 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो क्या करेगा, जाकर DNA वाले एरिया पे बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, उस ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ओके। तो हमने यहां पे देखा कि HY5 का फ्री होना जरूरी है, राइट। HY5 जब फ्री होगा तभी फोटोमॉर्फोजेनेसिस करेगा, बिल्कुल ये एक्शन बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसे हमने फाइटोक्रोम के केस में देखा था, बस यहां पे जो रोल निभाते हैं वो यहां पे फैक्टर चेंज हो चुके हैं, दैट इज यहां पे क्रिप्टोक्रोम है, वहां पे दैट इज फाइटोक्रोम था। यहीं पे एक म्यूटेशन केस आता है जिसे हम बोलते हैं सीसीटी का ओवर एक्सप्रेशन, ये एक म्यूटेंट कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या अजम्पशन किया जाता है कि जो सीसीटी एरिया है वो हमेशा के लिए ओवर एक्सप्रेस हो गया है। ओवर एक्सप्रेशन का मतलब होता है उसमें एक ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से फॉस्फेट ग्रुप उसके सीसीटी वाले एरिया में, क्रिप्टोक्रोम 1 के सीसीटी वाले एरिया में परमानेंटली आकर यहाँ ज्वाइन हो गया है। और हम ये जानते हैं कि फॉस्फेट का एडिशन जो है ब्लू लाइट मीडिएटेड होना चाहिए था, लेकिन आज बिकॉज ये बिना ब्लू लाइट के भी लगातार एक्टिव रहेगा क्योंकि ये तो म्यूटेंट कंडीशन है, चाहे लाइट रहे या ना रहे ये सीसीटी हमेशा एक्टिव रहेगा। अब हमेशा एक्टिव रहेगा तो ये हमेशा के लिए SPA1 एंड COP1 के साथ बाइंड करके रखेगा, बाइंड करके रखेगा तो HY5 हमेशा ही फ्री रहेगा, और आपको पता है HY5 के फ्री रहने का मतलब है फोटोमॉर्फोजेनेसिस, क्योंकि फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाने के लिए ये जीन का दैट इज मेनली प्रोडक्शन करता है या एक्टिवेशन करता है। तो सीसीटी ओवर एक्सप्रेस म्यूटेंट में देखा गया है कि चाहे डार्क कंडीशन हो या फिर लाइट कंडीशन हो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, HY5 हमेशा ही फोटोमॉर्फोजेनेसिस करेगा। यानी अगर आप एक सीसीटी ओवर एक्सप्रेस म्यूटेंट को डार्क कंडीशन में भी अगर ग्रो करेंगे तो वो फिर भी जो है फोटोमॉर्फोजेनेसिस ही करेगा, ठीक है। तो इस ढंग से हमने देख लिया कि सीसीटी ओवर एक्सप्रेशन का काम मेनली कैसे होता है, ये म्यूटेंट कैसे बिहेव करता है, क्योंकि सीसीटी मेनली दिन के टाइम में इसलिए डिपेंडेंट था क्योंकि उसको ब्लू लाइट के थ्रू फॉस्फेट का एडिशन मिल रहा था, लेकिन जब इसके पास ऐसा म्यूटेशन कंडीशन आ गया कि इसके पास फॉस्फेट परमानेंटली जो है आकर इसके दैट इज पास स्टिक हो गया है, जिसकी वजह से अब इसको ब्लू लाइट की भी जरूरत नहीं है, तो चाहे ब्लू लाइट रहे या ना रहे, चाहे डार्क रहे या ना रहे, कुछ भी
कैसा भी कंडीशन हो, ये हर कंडीशन में फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाता रहेगा। फाइन, तो ये था हमारे क्रिप्टोक्रोम का मोड ऑफ एक्शन की एक्चुअल में काम कैसे करता है। नेक्स्ट आता है ब्लू लाइट मीडिएटेड, ब्लू लाइट के थ्रू जो है और भी बहुत सी चीजों का एक्यूमुलेशन होता है, जैसे कि हो गया एंथोसायनिन जो कि एक टाइप का फिनोलिक कंपाउंड होता है और प्लांट एज वेल एज फ्लावर में कलरेशन देता है। मेनली फ्लावर जो आपको रेड पिंक पर्पल कलर के दिखते हैं वो एंथोसायनिन के प्रोडक्शन की वजह से ही दिखते हैं। एज वेल एज ये स्टेम का इनहिबिशन भी करता है, स्टेम की इलोंगेशन का इनहिबिशन भी करता है। तो इसी को देखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एंथोसायनिन के एक्यूमुलेशन को क्राई वन जो है पॉजिटिवली रेगुलेट करता है, मतलब कि अगर क्राई वन प्रेजेंट है तो एंथोसायनिन का प्रोडक्शन करवाएगा। तो देखिए वाइल्ड टाइप में क्या देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्शन इतना हो रहा है, मतलब ठीक ठाक जितना होना चाहिए, लेकिन जब हमने क्राई वन को ओवर एक्सप्रेस कर दिया है तब क्या मिल रहा है, इतना ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि हमने यही बोला कि क्राई वन एंथोसायनिन का प्रोडक्शन करवाता है, लेकिन अगर वो ज्यादा प्रेजेंट रहे मतलब हमेशा के लिए एक्टिव रहे क्राई वन, तो वो बहुत ज्यादा एंथोसायनिन का प्रोडक्शन करवाएगा। और अगर क्राई वन का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो क्राई वन क्या करेगा, एंथोसायनिन का जो प्रोडक्शन करवा रहा था वो उससे भी ज्यादा लो कर देगा। सिंपल राइट। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज योर हाइपोकोटाइल का लेंथ। अभी हमने कहा कि क्राई वन का काम होता है वाइल्ड टाइप कंडीशन में कि प्लांट के हाइपोकोटाइल के लेंथ को इनहिबिट करना, यानी अगर क्राई वन वाइल्ड टाइप कंडीशन में है तो हाइपोकोटाइल का लेंथ कितना देखने को मिल रहा है, इतना देखने को मिल रहा है। एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें, दिस इज टोटली अ नॉर्मल कंडीशन, तो इतना देखने को मिल रहा है। लेकिन जब ये क्राई वन ओवर एक्सप्रेस हो जा रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट है क्राई वन, तो क्या करेगा, जरूरत से ज्यादा इस लेंथ को इनहिबिट करेगा। लेंथ को इनहिबिट करेगा तो हाइपोकोटाइल का लेंथ देखिए एकदम कम रह रहा है। और अगर क्राई वन में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो क्या होगा, अब तो ये लेंथ को इनहिबिट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि अपना नॉर्मल काम ही नहीं कर पा रहा क्योंकि इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो गया है, तो हाइपोकोटाइल का लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देख सकते हैं आप यहां चला गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मालूम हुआ कि यस, क्रिप्टोक्रोम का एक्चुअल में एक्शन एंथोसायनिन के प्रोडक्शन में भी अच्छा खासा देखा जाता है, साथ ही साथ जो है दैट इज स्टेम के इलोंगेशन को इनहिबिट करता है और प्लांट में एकदम एक्यूरेट ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, ना ज्यादा ना कम, वाइल्ड टाइप में प्रेजेंट रहेगा तो एकदम एक्यूरेट ग्रोथ करवाएगा, जैसे कि ये वाला है राइट, ये वाला जो है दैट इज एकदम एक्यूरेट लेंथ होता है। ओके, फाइनली चला आता है हमारे पास दैट इज फंक्शन। क्रिप्टोक्रोम का फंक्शन क्या क्या होता है, तो ये एक्चुअल में सप्रेस कर सकता है हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन को, ये हमने देख लिया। कॉटिलिडन के एक्सपेंशन को ये प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करने में भी इसका रोल देखा गया है। एंथोसायनिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। पिट्योल इलोंगेशन में भी दैट इज इनहिबिट करता है पिट्योल का इलोंगेशन। पिट्योल इलोंगेशन क्या होता है, मान लीजिए दिस इज अ प्लांट और ये लीफ है, तो कोई कोई आप देखते होंगे ये भी एक प्लांट ले लीजिए और ये लीफ है, तो कोई कोई लीफ जो है स्टेम से एकदम पास में कनेक्टेड होती है और कोई कोई लीफ जो है बहुत लंबा सा लाइक इतना लेंथ लेती है स्टेम का, उसके बाद ये लीफ शुरू होती है। दिस इज व्हाट कॉल्ड द पिट्योल, ये वाला लेंथ जो है दैट इज व्हाट द पिट्योल। तो इसको रोकने के लिए भी दैट इज क्रिप्टोक्रोम हेल्प करता है कि बहुत ज्यादा पिट्योल का इलोंगेशन ना हो जाए, अदरवाइज प्लांट्स दैट इज लीफ जो है वो प्रॉपर ढंग से यहाँ पे होल्ड अप नहीं हो पाती है। नेक्स्ट एंथोसायनिन का प्रोडक्शन वो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। इसके अलावा साइकार्डियन रिदम को भी रेगुलेट करता है, कौन, मेनली क्राई वन, ठीक है, एंड लोअर लेवल पे दैट इज योर क्राई टू, थोड़ा सा लोअर लेवल पे। और इतना ही नहीं, ये दैट इज क्रिप्टोक्रोम का जो होमोलॉग प्रेजेंट होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, वो साइकार्डियन रिदम को रेगुलेट कर सकता है फ्लाइज में, माइस में, एज वेल एज ह्यूमंस में। नेक्स्ट म्यूटेशन केस आता है क्रिप्टोक्रोम में, दैट इज अगर मान लीजिए यही बता रखा है सीसीटी वाली ही कहानी जो अभी मैंने बताई, कि सीसीटी का अगर म्यूटेशन हो जाए तो सीडलिंग ऐसे बिहेव करती है मानो वो हमेशा के लिए ही लाइट में ग्रो हो रही हो, और चाहे डार्क कंडीशन हो चाहे लाइट कंडीशन हो, वो हमेशा ही जो है दैट इज अपना फोटोमॉर्फोजेनेसिस दिखा रही होती है, ठीक है। सो शोज अरबिडोप्सिस प्लांट ओवर एक्सप्रेसिंग ओनली द सी टर्मिनल रीजन ऑफ द क्रिप्टोक्रोम शो फिनोटाइप सिमिलर टू दोज ऑफ द कॉप म्यूटेंट विच रिजेंबल द लाइट ग्रोन सीडलिंग वेन ग्रोन इन द डार्क। इतना ही नहीं, जब कॉप वन में म्यूटेशन हो जाता है
COP1 में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये कभी भी जो है HY5 से बाइंड नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं करेगा तो वेरी ऑब्वियस HY5 हमेशा ही फ्री रहेगा, फ्री रहेगा तो वही बात हो गई कि क्या करेगा, हमेशा ही फोटोमॉर्फोजेनेसिस करता रहेगा। ओके तो ये कुछ आपको कंसेप्ट हो गए रिगार्डिंग द क्रिप्टोक्रोम, मेक श्योर इसी को हम बोलते हैं दैट इज योर, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, दैट इज प्रिटी योर। तो इसके साथ हमने आई थिंक क्रिप्टोक्रोम का, यस क्रिप्टोक्रोम का हमने पोर्शन डील कर लिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दैट इज फोटोट्रॉपिन अपने काम, अपना काम कैसे करता है, एज वेल एज उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।